हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम स्वर संधि के प्रकार देखेंगे। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। वैसे छोटे क्लासेस में बच्चों को 5 प्रकार की संधि बताई जाती है, लेकिन संस्कृत में देखा जाए तो संधि 7 प्रकार की होती है। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। तो चलिए, ये हैंडमेड नोट हमने तैयार किया है, इससे थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जब स्वरों में योग होता है और परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। पहली हमारी संधि है यण संधि। यण संधि का हमारा सूत्र है इको यणचि। ह्रस्व या दीर्घ इ उ रि लृ के बाद में असमान स्वर आता है तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। क्रमशः का मतलब अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो व हो जाता है, और री के बाद असमान स्वर आने पर रा, और लृ के बाद असमान स्वर आने पर ला हो जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि अपि, इधर ई की मात्रा है और इधर असमान स्वर है, तो यदि अपि यद्यपि हो जाएगा, अ की जगह या हो जाएगा, यद और ये आधा बन जाएगा। यद्यपि इति आदि, इत ये आधे अक्षर बन जाएंगे और यहाँ पे या बन जाएगा। तो देखिए, इत यादि, इति उक्त्वा, इति उक्त्वा लिखा है तो इत्य युक्त्वा उ की जगह या बन गया है। जैसे हमने आपको बताया था ई, ई के स्थान पे या हो जाएगा, ठीक है। तो ई के बाद अगर आता है तो या बन जाएगा। इति अवोचत, इत्य वोचत, यहाँ पे अ की जगह या हो जाएगा, इत्य वोचत। और जो देखिए, जो मात्राएं लगी हैं वही मात्राएं लग जाएंगी। जैसे या तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ है तो या में यहाँ पे देखिए आ की मात्रा लग गई है, यहाँ पे ऊ बना है तो यहाँ पे या में ऊ की मात्रा लग गई है। मात्राएं यही वाली लगेंगी, लेकिन केवल या ई की हटा के आधा आधा अक्षर हो जाएगा और यहाँ पे या शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे फलानी आने, फलान्य आने याने हो गया, यहाँ पे या बन गया है, मात्रा आ की लगी हुई है इसलिए याने हो गया। सुधि उपास्य, सुध्यु, ये उ की मात्रा है इसलिए या में देखिए वही मात्रा लगती है जो यहाँ पे मात्रा बनी होती है। सुध्यु आधा धा और यहाँ पे या में उ की मात्रा, सुध्यु पास्य। नदी ऊर्मि, नद्यु यूर्मि, नदी ऊर्मि, नद्यूर्मि। अभी देखिए उ की मात्रा वाले उदाहरण देख लीजिए थोड़े। साधु अपि, तो साधु का धा आधा हो जाएगा और यहाँ अपि की जगह वपि हो जाएगा, साध्वपि। मध्वरी, मध्वरी में देखिए कैसे हुआ है, मधु और अरि धा को आधा कर दिया है और यहाँ पे वा लग गया है, आ की जगह पे वा लग गया है। आपने नियम में पढ़ा था कि यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ की वहां पे वा हो जाता है। तो देखिए, ऊ के बाद असमान स्वर आया है। जैसे साधु प्लस आचार, तो साधु की जगह आधा धा हो जाएगा और आ की जगह वा हो जाएगा, साध्वाचार। देखिए इस तरीके से। सुआगतम, तो सु की जगह सा आधा सा हो जाएगा और वा की आ की जगह वा हो जाएगा, सुवागतम, स्वागतम। रा वाले देख लीजिए, पित्राज्ञा, पित्र आज्ञा, धात्रंश, धात्र प्लस अंश, लाकृति ही लृ आकृति ही, लकार लृ अकार। दूसरी हमारी संधि है अयादि संधि। इसका सूत्र है अचो अय वाया वह, एचो अय वाया वह। तो देखिए, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे ए, जैसे उसमें था ई और बड़ी के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो इसमें उसका आधे शब्द इधर आ गए हैं। ए ऐ ओ औ के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो अय आय अव और आव हो जाता है, ठीक है। क्रमशः कैसे, अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा, आय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो अव हो जाएगा, और औ के बाद कोई आता है तो आव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये नैनम है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, ने प्लस अनम। तो ए की मात्रा के बाद में अ आया है तो यहाँ पे अय हो गया, नयनम, नयनम। शे प्लस अनम, शयनम, यहाँ पे अय हो गया, इसको मिला के अ और या की आवाज निकलती है, ठीक है। शे प्लस अनम, शयनम। अब देखिए, नायक, तो नय
आय की मात्रा है और अ असमान स्वर आया है। तो हमने बताया था आपको जब आय के बाद असमान स्वर आता है तो आय की आवाज आती है आय। तो देखिए नाय नाय कह न प्लस अकह नाय कह। पवन पो प्लस अनह पवन। पावकह पव प्लस अकह पावकह। रात्रावागतः रात्रावागतः रात्रौ प्लस आगतः। श्राविका श्राविका का विच्छेद क्या होगा शौ प्लस इका। भावुक भावुक का क्या होगा भौ प्लस उकह। अगली संधि देखते हैं गुण संधि। ये हमारी तीसरी संधि है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। देखिए अ और आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई या उ आता है या री और ऋ आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। क्रमशः का मतलब अगर अ और आ के बाद में ई आता है तो ए की मात्रा बन जाती है, अगर अ और आ के बाद में उ आता है तो ओ की मात्रा बन जाती है मिलकर के, री आता है तो अर हो जाता है और ऋ आता है तो अल हो जाता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए देव प्लस इंद्र, यहाँ पे अ का स्वर निकल रहा है, देव अ के बाद ई की आती है तो ये मिलकर ए की मात्रा हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो देवेंद्र हो गया देवेंद्र। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। दिन अ की साउंड निकल रही है और ई दिन ईश, तो हम जब मिलाएंगे इसको तो दिनेश हो जाएगा। विद्या इव विद्येव। गंगा उदकम गंगोदकम। आ के बाद जब ऊ का स्वर होता है तो ओ की मात्रा बन जाती है, तो हमने यहाँ पे ओ की मात्रा बना दी है गंगोदकम। महा प्लस उत्सव महोत्सव। सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। अगली हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। अ या आ के बाद में ए या ए आए ओ या औ आता है तो क्या होता है पूर्व और आ के स्थान पर क्रमशः आए और औ हो जाता है। आपको इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये वाली संधि। आए और औ दोनों मात्राएं हो जाती हैं, मतलब इसमें दो मात्राएं ही लगेंगी तो ये वृद्धि संधि है। दो मात्राओं में आए की मात्रा आपको मिलेगी और औ की मात्रा मिलेगी तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। देखिए मम धन एव ममैव। महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। राम प्लस एव रामैव। महा प्लस औषधि महोषधि। इसमें जो है सिंपल क्या है आय की मात्रा आपको दिखेगी और औ की मात्रा दिखेगी। जहां पे ये दो मात्राएं दिखी आपको आप समझ लीजिएगा वृद्धि संधि है। नेक्स्ट हमारी संधि है दीर्घ संधि। ये सबसे आसान संधि है और हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ या ह्रस्व अ ई उ री के बाद में क्रमशः यही स्वर आ जाए, जैसे कि अ के बाद में प्लस के बाद में अ आए और प्लस के बाद पहले भी अ आए, ई प्लस के इधर भी हो और प्लस के उधर भी हो, उ प्लस के इधर भी हो और उ प्लस के उधर भी हो, तो ये समान स्वर हो। मतलब आपको आपको ये देखना है इसके इधर भी अ का हो इधर भी अ का स्वर हो, इधर भी ई की मात्रा हो और इधर भी ई की मात्रा हो। तो जब सेम मात्राएं होती हैं तो यहाँ पे उसके जो है दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आ बड़ा की मात्रा आपको यहाँ पे दिखेगी और बड़ी की और बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये दीर्घ संधि है। जैसे वन प्लस अग्नि वनाग्नि। हिम प्लस आलय हिमालय। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है यानी कि रवि प्लस इंद्र रविन्द्र। भानु प्लस उदय भानुदय। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। अगली संधि देखते हैं। छठी हमारी संधि है पर रूप संधि। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ आता है तो धातु रूप जो है सेम हो जाता है, पर रूप हो जाता है, मतलब ए की मात्रा उसमें जुड़ जाती है। जैसे प्र प्लस एजते तो प्रेजते हो जाएगा, इसमें ही मात्रा वही ये वाली लग जाएगी, इधर वाली जो मात्रा है इस वाले की तरफ लग जाएगी। जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते। प्र प्लस ओषति प्रोषति। उप प्लस ओषति उपोषति। आपने ये देखा धन के पहले अ का स्वर निकलेगा और यहाँ पे ये उपसर्ग है, ठीक है, अ अकारांत वाले उपसर्ग है, मतलब इसमें अ पे इसका अंत हो रहा है, अंतिम स्वर इसका अ है और बाद में जो ए और ओ की मात्रा है वो आपकी इसी उपसर्ग पे लग जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी लास्ट वाली है पर पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांता दति।
पद के अंत में ए या ओ हो और आगे ह्रस्व अकार हो तो अकार की जगह ये वाला चिन्ह हो जाता है। जैसे जो हमारा पहला शब्द है उसमें मात्रा लगी हो ए की या ओ की, और उसके बाद में अकार हो अ अ दिया हो, वो भी छोटा आ, जिसको हम छोटा आ बोलते हैं, अ दिया हो, जैसे प्लस के इधर ए की मात्रा और प्लस के उधर पे अ का सर हो, तो हम ये वाला आ हटा के ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हरे प्लस अव हरे अव, लोको अयम लोको अयम, ग्रामे अपि ग्रामे पि। तो ये हमारी 7 रूप थे स्वर संधि के। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे और भी संधि आपको ऐसे ही समझाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, जो संधि आपको समझ में ना आई है तो ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।